रोजगार सबसे पहला सरकार हो या ना हो, क्योंकि सरकार तो सिर्फ देश चलावे लेकिन रोजगार तो इंसान चला रही। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। 9 बजे रात को बताओ, ये गरीब आदमी यहाँ 50 जने हैं, सब भूखा मर रहे हैं। रोजगार तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं, खाली सब बैठे हैं, बस दुकान खोल के बैठे रहो पूरे दिन। अरे भैया आधा से भी ज्यादा फर्क आ गया, जीरो हो गया, कुछ नहीं है इस समय। हम लोग तो मजदूर आदमी है, बेरोजगारी है, मजदूरी करने वाले। क्या पता चला कि सरकार तो नौकरियां छोड़वा रही है, सबकी नौकरी ले रही है, बेरोजगार बना रहे हैं लोग, क्या करेंगे, पटरी वटरी सब बंद करवा रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है वो वाकई पिछले 50 साल में सबसे बदतर स्थिति में है हम लोग। मोदी सरकार बोले कि रोजगार देंगे रोजगार देंगे, उन्होंने रोजगार का रोजगार उल्टा छीन लिया। ये लगा लो 100% जो काम हुआ करता था, अब तो ये लगा लो 20% भी काम नहीं रह गया इस मामले में। अब क्या होता है कि आदमी 10 रुपए भी खर्च करता है तो उस पर 10 बार सोचता है मैं खर्च करूं कैसे। भाई NDMC ने बहुत परेशान कर दिया यहाँ पे, भूखा संभर रहा है 3 महीने से, जब से पांडे जी आया बेरोजगारी एकदम कर दिया, हाथ में भी नहीं बेचने देता। हाँ रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, और ये सरकार बैठ जाएगी, आज नहीं तो कल बैठेगी जरूर। आज का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, काम है नहीं है उसके पास। बिल्कुल सरकार नहीं, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो रोजगार छीन ले हमारा। जब से नोटबंदी आया मार्केट में काम खत्म हो गया, GST लगा दिए, इस वजह से कुछ न कुछ, मोदी जी जब से आए कुछ न कुछ नया करते हैं, इस वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। जब रोजगारी नहीं होगा तो सरकार क्या होगी। आज के डेट में धंधा जो है बहुत मंदा चल रहा है, कम से कम 75%। अभी रोजी रोटी हमारी खत्म हो जाएगी तो हम किस लायक रह जाएंगे भाई। सरकार ने तो काम कर दिया हमारा आधा, और किसने किया। GST लग गई, टैक्स लग गया, और तीन बंद हो रही है। इतना ज्यादा मंदा है कि 6 महीने से घाटा ही जा रहा है हमारा, कुछ भी नहीं है। नहीं है रोजगार, नहीं है तो सरकार नहीं है। कभी भी तो पाप का घड़ा भरेगा, हमेशा के लिए सरकार चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। पहले के मुताबिक हमारा उतना कमाई नहीं है, इनकम नहीं है भाई, ठीक है। अब आगे क्या होगा वो पता नहीं है, ज्यादा दिन ऐसे ही रहेगा तो वापस जाना पड़ेगा गाँव में, फिर से हल चलाना पड़ेगा। बस तो रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं।